टेक्नोलॉजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। महिला उत्पीड़न एवं तीन तलाक को लेकर सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। वहीं आला हुक्मरानों में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का फरमान जारी किया है। इसके बावजूद तीन तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला उस समय प्रकाश में आया जब पुलिस अधीक्षक कन्नौज कार्यालय में अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो रही थी। मुस्लिम महिला ने ससुराली जनों एवं पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। ग्राम बछज्जापुर निवासी पीड़िता महिला गुलशन पत्नी जुम्मन ने एसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि विगत दो माह पूर्व उसके पति ने उसे मामूली बात को लेकर तीन तलाक देते हुए घर से निकाल दिया था, लेकिन गांव वालों ने पंचायत के बाद पीड़िता को घर में रहने को कहा, जिसके बाद पीड़िता अपने पांच बच्चों के समेत घर में रह रही थी। 4 जनवरी सन 2022 की दोपहर जुम्मन ने पीड़िता के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे बच्चों को भी जमकर पीटा। घर से निकल जाने को कहा लेकिन पीड़िता घर से नहीं गई। जिसके बाद अगले दिन 5 जनवरी को सुबह जुम्मन अपने परिवारी जन इस्लीम नफीस शहनमाज गुड्डू एवं किसा के साथ घर में आया और गाली गलौज शुरू कर दिया। विरोध करने पर उक्त लोगों ने पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। अंत में उसने एसपी से गुहार लगाई। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। क्या हुआ आप थोड़ा जोर से बोलो। ऐसा हुआ है कि इनने मेरे ने तलाक दे दी है और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो हम कह रहे हैं कि मतलब इतनी उम्र में हम कहाँ जाएं, और मेरे माँ ना है, मेरे बाप ना है, भैया है मेरे, गरीब है, मजूरदार है, तो जो कह रहे हैं कि नहीं निकलोगे तो हम फिर गोली मारेंगे। कौन कह रहा है? मेरे पति कह रहे हैं। नाम क्या है उनका? जुम्मन वाले बछज्जापुर, और साथ अन्य कई मेरे नाम आवाज है, हम आवाज के सारा अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। तो खास कह रही हूँ कि मतलब तेरे नाम आवाज है तो ये दिखा ले जा। हाँ। तो आप कहाँ आई हैं? हम यहाँ आए हैं कचहरी में। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने दिया वापस दिया, क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे लिए मुकदमा हो गया है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।